इंदौर सहित प्रदेश की 270 कृषि उपज मंडियों में कृषक और व्यापारी पांच प्रमुख मांगों को लेकर हड़ताल पर हैं। व्यापारियों ने मंडी शुल्क घटाने और निराश्रित शुल्क समाप्त किए जाने की मांग की है। इसके साथ ही लाइसेंस की अवधि आजीवन की जाए और कागजी कार्रवाई पूर्ण रूप से समाप्त करने की मांग भी शासन के सामने रखी गई है। हालांकि मंडी व्यापारियों ने कृषि विधेयक का समर्थन जरूर किया है। महासंघ के आह्वान पर विगत 3 दिनों से पूरे प्रदेश की 272 अनाज मंडियां बंद है। इसके पीछे मुख्य कारण एक ही है कि सरकार द्वारा जो एक मॉडल एक्ट लागू किया गया है उसमें दो तरह की परिस्थितियां कर दी गई है। अनाज मंडी के बाहर खरीदने वाले माल के ऊपर शुल्क नहीं लिया जाएगा और अनाज मंडी में जो व्यापारी सालों से सरकार से कंधे से कंधा मिलाकर कार्य करते थे, सरकार की सारे नियमों का पालन करते थे, टैक्स भरते थे, उन्हें सरकार ने टैक्स के दायरे में रख लिया है। हमारी सरकार से प्रमुख मांगे कि अनाज मंडी के अंदर जो मंडी टैक्स लग रहा है वो सरकार हटाने करे, निराश्रित शुल्क वापस करे और अनुज्ञा पत्र जो लगता है उसे समाप्त सरकार समाप्त करे। हम 1.5 रुपए का 50 पैसे सैकड़ा टैक्स देने को तैयार है कि ये मंडियां जिंदी रहे और प्रदेश का किसान सुरक्षित रहे, इसलिए हम इस आंदोलन को कर रहे हैं। और हमारी मांग है सरकार यदि इस पे 50 पैसे का निर्णय नहीं करती है तो चाहे 1 महीना लगे चाहे 2 महीना लगे हम अनिश्चितकालीन हड़ताल पर रहेंगे। और यदि उसके बाद भी सरकार नहीं मानेगी तो सरकार चाहती है कि मंडियां बंद हो तो हम अपने व्यापारियों को कहेंगे कि मंडी के बाहर कोई मैदान में किसान से बोली लगवा के माल लो और हम उसका माल खरीदेंगे।